हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर कोचिंग क्लासेस। सो टुडे वी हैव अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश, मोस्टली इंग्लिश एंड फ्यू क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स, टेस्ट नंबर 3। सो स्टार्ट फ्रॉम सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मींस वर्ड्स हैविंग द सेम मीनिंग्स। फर्स्ट है अवॉइड। अवॉइड मीन्स होता है कि बचना, यानी कि किसी से साइड पे होना। सो अवॉइड का हमें सिनोनिम चाहिए। अवॉइड का सिनोनिम है अवर्ड। अवर्ड की भी सेम मीनिंग होती है कि किसी से जो है साइड पे रहना या कि बचना। सेकंड पे है लॉस्ट। लॉस्ट यानी कि गुम हो जाना या खो दिया। सो लॉस्ट का होता है वैनिश्ड। वैनिश्ड मीन्स सेम मीनिंग्स वाला चाहिए सिनोनिम। सो वैनिश्ड मतलब होता है कि गायब हो जाना। सो वैनिश्ड एंड लास्ट आर द सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट वन नंबर 3 इज फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यानी कि दोस्त। सो अलाइज सो होगा अलाई, यानी कि सेम फ्रेंड्स। सो उसके अलावा नेक्स्ट है ह्यूज। ह्यूज की मीनिंग होती है कि बहुत बड़ा। सो बहुत बड़ा, और यहाँ पे आप ऑप्शंस देखें तो उसमें है वेस्ट, 4 का होगा ए, क्योंकि बाकी सब जो है लिटिल, छोटा, लिमिटेड, मुख्तसर, इनसिग्निफिकेंट, ना काफ़ी, बहुत छोटा। सो ह्यूज का सिनोनिम है वेस्ट। डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयस मीन्स के कोई चीज़ जब तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, तो डिस्ट्रॉयड हम कहते हैं तबाह को। सो डिमोलिश्ड भी बुक, ये सिनोनिम है इनके। अवर्ड, वैनिश्ड, अलाइ एंड वेस्ट, डिमोलिश्ड, ये हो गए सिनोनिम्स। नाउ मूविंग टू एंटोनिम्स। एंटोनिम्स होते हैं जिद। वर्ड्स हैविंग द अपोजिट मीनिंग्स। जैसे फर्स्ट है सक्सेस, नंबर 6 में, यानी कि कामयाबी। सो कामयाबी का एंटोनिम होगा फेलियर, नाकामी। 6 का डिडक। फर्टाइल। फर्टाइल कहते हैं उस सरजमीन को जो कि आबाद हो, जरखेज हो। सो बैरन। बैरन की मीनिंग होती है बंजर जमीन। प्लेंटी। प्लेंटी कहते हैं हम काफ़ी, यानी हमारे पास बहुत काफ़ी है, प्लेंटी है। सो ज़्यादा मकदार में। सो इसका होगा इनसफिशेंट, मीन्स के ना काफ़ी, थोड़े मकदार में। प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड के मतलब होती है कि फराहम करना, मुहैया करना, किसी को कोई चीज़ देना। सो इसका एंटोनिम होगा विथ होल्ड, अपने पास रख लेना। नेक्स्ट है फॉलो। हम किसी को जब फॉलो करते हैं, यानी कि पैरवी करते हैं, सो इसका एंटोनिम होता है अडेयर, यानी कि जो है पीछे हो जाना, किसी को भी जो है वो फॉलो ना करना। सो इसको इंग्लिश में कहते हैं अडेयर, छोड़ देना। नेक्स्ट है प्रेपोजिशंस। यूज ऑफ प्रेपोजिशंस फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स एंड टेक्स्ट बुक्स एंड फ्रॉम पास्ट पेपर्स। सो आई डिड माई होमवर्क डैश द कैंडल लाइट। ये IBA में एक सैम्पल पेपर से उठाया गया प्रीपोजिशन है, नंबर 11। आई डिड माई होमवर्क इन द कैंडल लाइट, अकॉर्डिंग टू IBA, इन द कैंडल लाइट, यानी कि मैंने अपना होमवर्क किया कैंडल लाइट में, जो बत्ती होती है लैम्प, कैंडल आप जब जलाते हैं माचिस से, उसको जो है कैंडल लाइट कहते हैं। नेक्स्ट है द रिवर इंडस फॉल्स इन टू द अर्बन सी। इन टू होगा द रिवर इंडस फॉल्स इन टू अर्बन सी, यानी कि जो इंडस रिवर है उसका जो लास्ट छोर है वो गिरता है अर्बन सी में। नेक्स्ट है द रूफ ऑफ माई हाउस, यानी कि मेरे जो है घर की छत, द रूफ ऑफ माई हाउस लीक्स, टिपकती है इन रेन। द रूफ ऑफ माई हाउस लीक्स इन द रेन। 13 बी बुक, अकॉर्डिंग टू दीज, ये जो प्रीपोजिशंस हैं मोस्टली ये सिन पब्लिक और IBA और टेक्स्ट बुक के हैं। नेक्स्ट है अहमद लिव्ड डैश अ फ्लैट ऑन द फर्स्ट फ्लोर। सो अहमद लिव्ड इन अ फ्लैट, फ्लैट के लिए इन अ फ्लैट, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, फ्लोर के लिए हम प्रीपोजिशन ऑन लगाएंगे, और इन अ फ्लैट। आई ऑलवेज डू माई होमवर्क डैश
टाइम. सो 15 का होगा सी ऑन. आई ऑलवेज डू माई होमवर्क ऑन टाइम. मैं हमेशा अपना होमवर्क जो है घर का काम वक्त पे करता हूँ. नेक्स्ट है लास्ट पार्ट. लास्ट पार्ट इज ऑफ मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स के जस्ट 5 क्वेश्चंस हैं. एंड नंबर 1 इज के एडिटिव आइडेंटिटी इन द सेट ऑफ होल नंबर्स. सेट ऑफ होल नंबर्स में जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो है 0. यानी हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो वो हमें सेम नंबर मिलता है. सेट ऑफ होल नंबर्स में यानी कि 5 + 0 तो 5 ही मिलेगा. यानी एडिशन के लिहाज से एडिटिव आइडेंटिटी है 0. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन द सेट ऑफ होल नंबर्स इज 1. एंड होल नंबर्स के सेट्स में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो 1 है. 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम नंबर ही मिलता है. जैसे 1 × 7 इज इक्वल टू 7. नेक्स्ट वन, नंबर 18 इज विच आर द फॉलोइंग नंबर इज एक्चुअली डिविजिबल बाय 9. इनमें से वो कौन सा नंबर है जिस पे 9 की टेबल लगती है. अब आप देखें, ऐड करके देखेंगे कैसे 9 × 2 = 11, 4 = 15, 16 = 17. ये तो 0 है. 17 पे 9 की टेबल नहीं लगती तो इस पे नहीं लगेगी. 11, 15, 16, 17, 18. सो इस पे लग रही है यानी ये ऑप्शन करेक्ट है. बाकी भी चेक करके देख लेंगे. सो 9 का जो 18 का जो है वो भी इस पे भी 9 की टेबल लगेगी. 11, 15, 16, 17, 19. सो यही नंबर है जिस पे 9 की टेबल लगती है. सो इस पूरे नंबर पे भी 9 की टेबल लगेगी. कैसे चेक करेंगे? ये नहीं कि ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये इवन है. ये इसकी ट्रिक है कि आप सभी डिजिट्स को ऐड करें, उन पे 9 की टेबल लगती है तो पूरे नंबर पे लगेगी. सिमालिस्ट 4 डिजिट नंबर इज, छोटे में छोटा 4 डिजिट नंबर है वो है 1000. 1000 सिमालिस्ट 4 डिजिट नंबर, क्योंकि इससे छोटा करेंगे तो 999 होगा, वो 3 डिजिट में आ गया. सिमालिस्ट 4 डिजिट 1000. 2 इज अ सक्सेसर ऑफ 2 द सक्सेसर ऑफ 1. 2 जो है 1 से आगे है. 2 द सक्सेसर ऑफ 1, जैसे कि 3 द सक्सेसर ऑफ 2, 4 द सक्सेसर ऑफ 3, इसी तरह. सो ये था पेपर आज का हमारा, टेस्ट नंबर 3, इंग्लिश एंड फ्यू क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स. होप कि आपके कभी ना कभी ये क्वेश्चंस काम आ जाएं किसी जॉब्स प्रिपरेशन, यूनिवर्सिटी टेस्ट एडमिशंस, किसी भी किस्म के डेस्क के लिए. क्योंकि ये सेना ने मेंटेन एम, तो कोई आईबीए के हैं, कोई सेंट पब्लिशर्स कमीशन के हैं. सो हम पास पेपर से ही लेते हैं. जो भी पेपर होता है, एचएसटी का हो गया, एसएसटी, लेक्चररशिप, उसमें 1-2 सेनानियम्स, प्रेपोजिशंस, ग्रामर, कोई मैथ क्वेश्चन वगैरह. जैसे अब सीसी होने वाला है तो उसके जो भी क्वेश्चंस हम निकाल सकेंगे वो हम अपने पेपर्स में ऐड कर देते हैं. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.